हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो शेयर करने वाली थी। कल मैंने उसका रिकॉर्डिंग किया था। आलू और मटर की बहुत ही ज़्यादा लजीज सब्ज़ी, उसका मैंने हर जगह डाल दिया हुआ है, स्टोरी टैब में डाला है। किरण शंकर चैनल पे जब मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग करती हूँ, DIY वगैरह करती हूँ, वहाँ पे भी मैंने उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करके डाला है कि मैं ये वीडियो डालने वाली थी। लेकिन दोस्तों, अभी मैं जस्ट बैठी हूँ यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं बैक कैमरा से इसको दिखाना चाह रही हूँ, ऐसे दिखेगा नहीं, तो मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ है दोस्तों, ये देखिए, यहाँ से ये जो कर्सर मैं जहाँ डाल रही हूँ, यहाँ से यानी कि सब्जी जब कंप्लीट हो गया है और जब मैं इसको सर्विंग बॉल में दिखा रही हूँ, तब से मेरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। और नीचे तक देखिए, जहाँ तक मैंने रिकॉर्ड किया सभी आया हुआ है, इसका मैंने फ़ोटो वोटो खींचा सभी आया हुआ है। ये देखिए, यहाँ से ये वाला यहाँ से आया हुआ, और इसके पहले जो भी मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ था वो कुछ भी नहीं आया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। ये देखिए वीडियो, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ प्ले करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसका प्रीव्यू यहाँ दिखाया है, प्ले करती हूँ मैं थोड़ा सा। आप देखिए कि मतलब इतना अच्छा मैंने रेसिपी बनाया फ्रेंड, और देखिए क्या हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे साउंड को म्यूट करती हूँ उसका, लैपटॉप का। ये देखिए मैंने साउंड म्यूट किया है, सॉरी ये प्ले नहीं हुआ लगता है। ये देखिए छोटा सा क्लिप है ये, ये देखिए ये है। नेक्स्ट क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अच्छी खासी वीडियो बनाए थे फ्रेंड, मेरा ना मतलब बैंड बज गई। ये मेरे साथ एक बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है मुझे कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था पर वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और लास्ट वाला सिर्फ रिकॉर्ड हुआ है जहाँ पे मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ ना, जो लास्ट में सर्व करती हूँ, बस उतना ही प्ले हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। देखिए ये बहुत ही छोटा सा क्लिप है ये भी, ये देखिए इतना ही छोटा सा क्लिप है। यहाँ से मैं नेक्स्ट करती हूँ वो भी, देखिए ये देखिए इतना लजीज मैंने सब्जी बनाया था, बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा फील हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप देख सकते हैं सब्जी देखने में इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब बहुत ही। और ये मेन इसमें चीज़ है ना कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बहुत ही एक अलग तरीके से इसको बनाया था जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। यानी कि आलू मटर की सब्ज़ी आप जो नॉर्मली खाते हैं ना प्याज के साथ बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, तो बिल्कुल उससे हट के मैंने बनाया था दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा यकीन मानिए कि बिल्कुल अलग हट के मैंने बनाया था। सिर्फ एक प्याज और एक टमाटर के साथ मैंने इसको बनाया था, और इसके साथ मैंने कुछ कुछ चीज़ें यूज़ की थी जो कि सब्ज़ी को बहुत ही ज़्यादा अलग और अट्रैक्टिव बना रही थी। तो मैंने सोचा था आपके साथ वो शेयर करूँगी। अभी जस्ट मैं एडिट करने के लिए लैपटॉप में बैठी हूँ कि मैं चलो वीडियो एडिट कर करके डालती हूँ। जब मैंने लैपटॉप खोला तो पहले का कुछ भी रिकॉर्डिंग मेरे पास था ही नहीं, बस बाद का जो मैंने अभी जस्ट दिखाया है उसके पहले का आपने देखा होगा, तो मैंने जो चिकन वगैरह कल उसके पहले जो आपने देखा होगा चिकन मंचूरियन उसकी थी, और उसके बाद वाली जो मैंने रिकॉर्डिंग की वो कुछ है ही नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है मेरे साथ। लेकिन अभी तो आज के लिए मैं वीडियो रेसिपी नहीं डाल पाऊँगी, इसलिए मैं ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली थी कर रही हूँ कि आप लोग ये ना समझे कि मतलब मैंने आज वीडियो नहीं डाला। इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न मैंने आपको अभी बताया है कि क्यों मैंने एडिट नहीं किया और क्यों मैंने ही डाल रही हूँ। इसके पीछे ये है कि मेरा रेसिपी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ बाई मिस्टेक। समटाइम्स बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं बहुत ही प्यार से लगन से कोई चीज़ को जब बनाती हूँ ना, उस टाइम कैमरा में ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है, कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं करता है, और कभी कभार वो कैप्चर कर लेता है। तो ये चीज़ मुझे उस टाइम रिकॉर्डिंग के टाइम पे बिल्कुल पता नहीं चलता, मुझे लगता है कि हो रहा है, तो मैं बाय मिस्टेक सब कुछ देखती हूँ, पॉज ऑन करती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। जब मैं एडिटिंग के टाइम पर भी बैठी हूँ तो कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं अभी डाल नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं सोची कि आपके साथ ये बता देती हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ कि ऐसा ना लगे कि रेसिपी बहुत ही अच्छा था। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करके भी दिखाती हूँ कि आलू और मटर की बनी हुई ये रेसिपी है, और दोस्तों इतना टेम्पटिंग, इतना स्वादिष्ट लग रहा है ये रेसिपी कि क्या बताऊँ मैं आपको। बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल मतलब अगर आप इसको खाते ना तो आपके पक्का मुंह में पानी आता ही आता कि मैं बार बार इसको लेकर के खाऊं। बहुत ही अलग और यूनिक, और प्याज की महंगाई को ध्यान में रखते हुए मैंने बिल्कुल अलग तरीके से इसको बनाया था। तो अगर आपको लगता है कि मुझे फिर से रिकॉर्ड करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा,
ज़रूर मैं ये वाली रेसिपी बना करके लाऊंगी दोबारा। बनाना बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन मेहनत लगता है, तो इसे थोड़ा दुख हो रहा है, फिर से मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, तो ज़रूर करूंगी। तो बस आज के लिए मैं यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली थी कि आज वाला ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने किया था आलू मटर की, बहुत ही अलग और टेस्टी सब्ज़ी मैं नहीं कर पाई, मतलब करी थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं वीडियो अगर आपको चाहते हैं कि वाला रेसिपी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना इन्फॉर्मेशन था, तो आप सबसे फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।